आज 27 अप्रैल 2022 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, श्री मत पर चलकर, श्री मत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, अपने बिहेवियर को सुधारो और विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है, माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। माला का दाना बनने के लिए एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। पहला प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? ऑटोमेटिक बाबा ने रक्षा करनी करनी है। किन बच्चों की? उत्तर है, जो जितना सफाई से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं। ईमानदारी क्या है? बाप से सदा सच्चे रहते हैं, जो क्लीन है, ऑनेस्ट है, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। जो बाबा की मुरली के साथ में चलेंगे और उसमें ऑनेस्टी रखेंगे, उनकी तो बाबा हेल्प करेगा। झूठा चलने वालों की रक्षा हो ही नहीं सकती। श्रीमद के प्रमाण नहीं चल रहे हो तो बाबा आपकी रक्षा नहीं करेंगे। फिर क्या होगा उनका? माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। बाबा की श्रीमद के प्रमाण चलोगे, मुरली साहब चलोगे, नहीं चल पाओगे, बाबा हेल्प करेगा। अगर चलोगे नहीं तो माया आपको सजाएं दिलाने की पूरी पूरी हेल्प करेगी, साथ देगी पूरा, वो चॉइस आपकी है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों है? बाबा को सच्चाई सफाई देते क्यों नहीं है? बाबा गलती होगी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ गलत विचार चल रहा है, बताओ बाबा को, छिपाते क्यों है? उत्तर है, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई है, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। जब अंदर पता है आपको गड़बड़ हो रही है, बाबा से कुछ छिपाना भैया? और बाबा कहते हैं, बच्चे जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। डॉक्टर को बताओ ना, नहीं बताओगे तो नुकसान डॉक्टर को ना होगा, नुकसान तो आपको ही होगा। क्या होगा नुकसान? माया खा लेगी। फिर अगर विकारों में चले गए, गलत काम हो गया, फिर तो पढ़ाई भी छूट जाएगी। इसलिए अटेंशन प्लीज, बहुत खबरदार रहना, मन मत व आसुरी मत पर नहीं चलना। मन मत और आसुरी मत कौन सी है? मनुष्य मत पर, किसी भी मनुष्य की मत पर नहीं चलना। ओनली 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 श्री मत, चलने के लिए श्री मत, श्रेष्ठ मत। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चों ने ये निश्चय तो किया है, क्या निश्चय किया? कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसीलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यानी मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती, फिर वहां से आत्माएं बिछड़ती हैं, मूल वतन से आत्माएं यहाँ आकर बिछड़ती हैं, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती है। बिछड़ती कहाँ है? स्टेज पर आकर के
अपना अपना पाठ बजाती है। पाठ क्या है हरे का? पाठ हरे का क्या है? सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती है। क्या प्रूफ है तमो प्रधान बने? बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। क्यों आते हैं 5000 वर्ष के बाद? क्योंकि ये सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा भी जरूर तन द्वारा ही सुनाएंगे, ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते, कोई थॉट चलाए और आपको समझ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे तुम आत्मा शरीर धारण कर बातचीत करती हो, बाप भी कहते हैं मैं इस तन में, इस तन द्वारा, ब्रह्मा के तन द्वारा या दादी के तन द्वारा तुमसे बात करता हूँ, तुम बच्चों को डायरेक्शंस देता हूँ। अब जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं। अब बाप तो समझाते हैं, ज्ञान का सागर है वो तो समझाएंगे, फिर कोई श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर की सुने व ना सुने, वो तो अपने लिए ही फायदा अथवा नुकसान करते हैं। नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। शिव बाबा तो अच्छी रीति समझाते ही है। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीखकर फिर सिखाना भी है, इसलिए कहते बाबा सन शोज फादर। इसमें जिस्मानी बाप की बात नहीं, ये है रूहानी बाप की बात। तो बच्चे समझते हैं जितना जो श्रीमत पर चलते हैं उतना, जितना उतना, जितना श्रीमत चलते हैं उतना वर्षा पाते हैं। और बाप कहते हैं, श्रीमत क्या है पहली, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि रावण राज्य में पाप आत्माएं पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती है। जो माथा टेक रहा है समझो ये पाप आत्मा है, बहुत पाप की है, परंतु ये नहीं जानती कि यही पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्माएं बनती है। ठीक है ना? आप भी पूज्य थे, वही पुजारी बने, वही पाप आत्मा बने, समझते हैं वो सदैव पुण्य आत्माएं हैं। तो बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते हैं। जितना पुनर्जन्म लेंगे अगले जन्म में और पाप आत्मा, और पाप आत्मा बनते जाएंगे। अब 84 जन्म लेते हैं तो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं, पाप आत्मा बनते हैं, फिर बाप को याद करते हैं। और जब पुण्य आत्मा है तो बाप को याद करने की जरूरत नहीं, दरकार ही नहीं। अब ये सब बातें सबको बाप तो नहीं बैठ समझाएंगे, एक एक को बाबा तो नहीं समझाएंगे। बच्चे सर्विस करते हैं, हमने सेवा करनी है, बाबा ने हमको बनाया, हमने आगे सेवा करनी है। अब मनुष्य तो इस समय असुर बनते जाते हैं, इसी कारण बुद्धि में बैठते ही नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो सारा मदार इसी बात पर है। किस बात पर?
कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, समय व्यापक नहीं है। अब श्री कृष्ण तो है देहधारी, उनको कहा जाता है देवता। आत्माओं का फादर तो निराकार बाप है, याद उनको ही करना है। भल प्रजा पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ दी ह्यूमैनिटी भी कहते हैं, लेकिन वो तो साकार है, ब्रह्मा बाबा तो साकार है। अब ये सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती है। ब्रह्मा बाबा हो गए जिस्मानी फादर, अलौकिक फादर, और शिव बाबा है हम सभी आत्माओं का पिता। परंतु कई बच्चे न समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पढ़ते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं शहर का अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु न समझने के कारण जंगल में जाकर पढ़ते हैं। जंगल में चले जाते हैं तो कांटे बन जाते हैं। यहाँ रहते भी बाबा का बन के भी रास्ता पूरा पकड़ते ही नहीं, ऐसे भी है, बीच में रह जाते हैं, फिर वहाँ भी पिछाड़ी में आ जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि दो कला कम होगी ना, यानी 25% कम हो गया ना। अभी तुम हो संगम युग पर। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे पुरानी दुनिया को भूल, त्रेता को याद करो। अब त्रेता को थोड़ा ही नई दुनिया कहेंगे। अब रास्ता ठीक न पकड़ने के कारण फ्लक्चुएशन होती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। अब ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने पूरा इम्तिहान पास किया है वही करेंगे। अब त्रेता में जाने वालों को नापास ही कहेंगे, एफर्ट्स करेंगे फिर भी पास नहीं हो पाएंगे, इसमें त्रेता में आएंगे। जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं। कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर, संगम पर वही इम्तिहान पास करते हैं। इस बार भी पास करेंगे, हर बार भी पास करेंगे, जैसे अब कर रहे हैं। मन जो फूल बनने का नहीं होगा, जिसने प्योर बनना ही नहीं है, जिसने देवता बनना ही नहीं है, उनको भल कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वो नहीं बनेंगे। अक तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते ही रहते हैं। तो सारा मदार पढ़ाई पर है, सारा मदार पढ़ाई पर है, ज्ञान योग धारणा सेवा पर है। और माया क्या करती है? माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है और ट्रेटर बन जाते हैं। ट्रेटर किसे कहते हैं? देशद्रोह, है ना, जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए, उनको ट्रेटर कहा जाता है। अच्छा ना, बाबा के बनते बनते भी फिर मायावी दुनिया में चले गए, वो कौन है? ट्रेटर। अब बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं और कहते हैं बाबा माया बड़ी दुष्टर है, फिर माया को ब्लेम करना शुरू करते हैं, माया बड़ी पावरफुल है, अपनी तरफ खींचती है। बाबा कहते हैं माया कंब चुंबक नहीं है। इस समय देखो माया दुनिया में खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशनेबल बनते हैं।
बायोस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं, पिक्चरों में देखो क्या क्या दिखाते हैं। पहले ये बायोस्कोप नहीं थे, ये तो 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। अभी 100 साल में हुआ है, बिजली भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था पहले तो। इसमें ड्रामा के राज को भी समझना है। क्यों? ड्रामा का राज क्या है? 100 वर्ष के अंदर जैसे भविष्य बन गया, आज के बाद पैसा है, सब कुछ जब कर चले, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। वहाँ तो ये साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती है, वहाँ साइंस का घमंड नहीं होता। आज साइंटिस्टों को कितना घमंड है, हम चांद पे भी घर बनाएंगे, खोज कर रहे हैं, जो जाएगा वो ओम शांति जाएगी उसकी, है ना। कितना साइंस वहाँ सुख देती है, परंतु वो सुख, परंतु वो सुख जो साइंस सुख दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, वो सुख स्थाई हो जाए, परमानेंट हो जाए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। पुरानी दुनिया का विनाश भी हमारे फायदे के लिए ना, वह कंप्लीट सुख शांति होगी। तो बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, परंतु परंतु कोई कोई तो मानते ही नहीं है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। ऐसे भी हैं जिनको विश्वास ही नहीं है कि भगवान पढ़ा रहे हैं, टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते हैं, माया के ट्रैक्टर में आ जाते हैं। और माया क्या करती है फिर, माया से अट्रैक्ट हुए क्या करती है माया, माया पूरा ही वश कर ले। अच्छा आ जा, मैं तो दिखाती हूँ, माया पूरा ही वश कर लेती है, परंतु परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। कहते हैं सब है, कहते तो सब है, हम नारायण बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना ही करना है, मिलेगा तो एफर्ट से ही, पुरुषार्थ से ही, परंतु है सारा ड्रामा का खेल। कोई चढ़ते हैं, कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर होता ही रहता है। तो सारा मदार है किस पर, पहले बड़ा पढ़ाई पर, अब किस पर है, याद की यात्रा पर। कितना सुदर्शन चक्र फिराते हो, कितना सुदर्शन करते हो, सारा मदार उस पर है। बाप तुमको अखुट खजाना देते हैं, वहाँ कर्म भोग की बात ही नहीं। सत्यु में कोई कर्म भोगना या शारीरिक बीमारी नहीं होती। इस समय यहाँ जो जमा करते हैं वही पूरा वर्षा पाते हैं। संगम युग की जमा करने का युग है, जो यहाँ जमा करेंगे सत्युग का रिवार्ड है इसका, यहाँ जमा किया है, है ना। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी, सत्युग में पहुँच जाएंगे फिर गिरावट आएगी, ये ख्याल नहीं करना। जास्ती गिरे हैं तो अब तो चढ़ना ही है, क्या ख्याल करना है, जास्ती गिरे हैं कलयुग पहुंच गए, अब तो चढ़ना ही है, खेल है ना, बैटिंग भी करनी है बॉलिंग भी करनी है, दोनों में कुछ रहना है। तो ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो होता ही रहता है। अब शिव की सबसे जास्ती दुनिया में पूजा होती है, उनको फिर उन्हीं को फिर ठिकर भीतर में कह देते हैं। कितना अज्ञान है, भल शिव की पूजा भी करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु फिर भी शिव को कोई जानते ही नहीं कि वो ज्ञान का सागर बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं।
तो अब पढ़कर पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। पूरा लेसन क्या है, शिक्षा क्या है, अभी पढ़कर पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है। फिर माया भी किसी को छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती है। और बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। रात को गर्विंद्र की दरबार लगानी बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर रात को बाबा को बताए नहीं, सूर्य का प्रसाद कैसे करोगे, अगला दिन कैसे चलेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच्ची नहीं बताते तो सज़ा भी हो जाती है, बताएंगे नहीं फिर सज़ा फिक्स है उनके लिए। सज़ा के समय तौबा तौबा करते हैं, जब कोई पंगा पड़ता है ना, फिर बाबा बाबा सॉरी, बाबा सॉरी, क्षमा करो, फिर ऐसे नहीं करेंगे। अब छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो बाप मारते हैं तो तौबा तौबा करते ही हैं, सॉरी करते हैं, जी आगे से नहीं करेंगे। अब ये ऐसे ही ये है बेहद का बाप, इतना बड़ा बाप और कितनी नम्रता से चलते हैं, ह्यूमिलिटी कितनी बाबा में, कितना मुलायम है बाबा, कितना मुलायम है। जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं, कोई भी बात होगी क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है, क्यों, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भावी ऐसी थी, अच्छा डेस्टिनी ऐसी थी, किस्मत ही ऐसी थी, फिर समझाते हैं चलो आगे ऐसा ना हो, चलो गलती होगी होगी, स्टॉप कर दिया, आगे ऐसा ना हो। क्योंकि श्रीमत और आसुरी मत, ये ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना, फिर भी बेहद का बाप है। हद के बाप की भल कोई ना माने, फिजिकल फादर की ना माने, बेहद के बाप ने इसे किसे, ब्रह्मा को निमित्त बनाया है, तो इनका तो जरूर मानना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा को जब निमित्त शिव बाबा ने बनाया है, इनका तो मानना चाहिए ना। इसलिए ये बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, माया कोई कम नहीं है। क्या करती है, क्या करती माया, काम क्यों नहीं है, क्योंकि उल्टा काम करा लेती है। समझना चाहिए ये है ईश्वरीय मत। और बाप कहते हैं इन द्वारा अगर ऐसी कोई मत मिल गई, ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी कोई ऐसी डायरेक्शन मिल गई तो भी मैं ठीक कर दूंगा। बाबा ने रस भी अनुभवी लिया है, कितनी गाली खाई, ब्रह्मा बाबा की इतनी इज्जत थी फिर भी लोगों ने कितना बुरा भला बोला। बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए। अब जितना जो सफाई से चलेगा उतना उतना उनकी रक्षा होगी। जहाँ बाबा ने ज्ञान दिया उसके अकॉर्डिंग में चलो, बाबा ने कहा फिक्र न करो आपकी रक्षा होगी। झूठी चलन चलने वालों की रक्षा नहीं होती। बाबा ने बोली साहब चलना ही नहीं है, अब बाबा से प्रोटेक्शन मांगो, बाबा कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। उन्हीं के लिए सजा फिर कायम हो जाती है, क्योंकि माया नाक से फिर उनको पकड़ लेती है। तो बच्चे जानते हैं कि माया खा गई, माया खा गई, कब विकारों में चले गए, गलत काम हो गया, रिजल्ट क्या है, इसीलिए हमने फिर पढ़ाई छोड़ दी। कहाँ पढ़ा जाएगा फिर, बाप कहते हैं कुछ भी हो परंतु पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो। अब जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, कुछ गलती हो गई कोई बात नहीं, पढ़ाई तो ना छोड़ो, अगली बार बाबा को बताते रहो ठीक तो हो जाओगे।
जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये लॉ है। कब पाएगा? भविष्य में। क्यों? क्योंकि अब दुनिया में चेंज होने वाली है, परिवर्तन तो जीवन का नियम है ना, सृष्टि का भी नियम है। ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। दुनिया के पता, कलयुग सत्यु ला रहे हैं हम, सत्यु की तैयारी कर रहे हैं, सत्यु में रहने के वास के लिए तपस्या कर रहे हैं हम। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, अगर याद में रहे क्या फायदा होगा योग लगाने का? याद में रहे फायदा क्या है? तो खुशी भी रहे। अगर आपके चेहरे में खुशी है, मेरी याद आपकी प्रॉपर है। परंतु माया एकदम बुला देती है। ये माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे से ये हो गया। फिर सच नहीं बताते, क्योंकि इज्जत का डर रहता है। फिर गुटखा खाते रहते हैं, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं हाई गलती होगी, हाई गलती होगी। बल्कि और एक बड़ी गलती कर दी, सोच सोच के और अगला समय भी खराब कर दिया। हाँ, कोई युगल है तो समझते हैं, एक ने बताया तो हम भी बता दें। तकदीर में ऊंच पद अगर नहीं है, जिसकी किस्मत में अगला पद ऊंचा नहीं है, तो सर्जन से छिपाते रहते हैं। छिपाने का कारण क्या है समझ आओ? ऊंच पद नहीं है। अब जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। ये क्योंकि ये आंखें ऐसी हैं जो क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं। और कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी दूसरे कोई को याद भी नहीं करते। कैसे? जैसे एग्जांपल मैंने दिया, पतिव्रता स्त्री की कभी कोई पर पुरुष पर, दूसरे पुरुष पर दृष्टि नहीं जाती। तो बाप समझाते हैं, अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा दिखे, बस बाबा दिखे और बाबा की श्रीमत दिखे, बस। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? या तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? बाबा तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि फलाने फलाने में ये खूबी है, विशेषता है, इनमें ये है, तभी तो नंबर वार याद प्यार देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विस एबल बच्चों की तरफ रहती है, सेवादारी बच्चों की तरफ। तो बाबा की बुद्धि हमेशा रहती है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता ही है, जो आज्ञा मानेगा उस पर तो प्यार रहता ही है। तो बाबा जानते हैं मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, क्योंकि तुम हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियाँ। दादे से वर्षा तो ज़रूर मिलना है। जब ब्रह्मा बाप है, शिव बाबा दादा हो गया, वर्षा तो ज़रूर शिव बाबा से मिलना है। ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने जो था उसे यज्ञ में दे दिया। बाप खुद कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बेहद का बाप हूँ और तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ, अनलिमिटेड वर्षा देता हूँ। इसीलिए अब मेरी श्रीमत पर चलो, क्योंकि मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान
अशरीरी बनाए वापस ले चलने के लिए। अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं, कैसे जगती होती तुम्हारी आत्मा की ज्योति जगती कैसे है? ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति ना रहे तो क्या होगा? जिसको ज्ञान का मंत्र नहीं है, है ना, योग में लगता नहीं है तो क्या होगा उनका? तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। इसलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य भल अपने को स्वर्ग में समझते हैं। जिस पर बहुत कुछ है, हमारे पास सब गाड़ियां बंगले सब कुछ है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, बाप कहते हैं, परंतु ये है अल्पकाल का सुख, टेम्परेरी। यहां पर उन लोगों को बेहद का बाप वर्षा भी नहीं देते, जो यहां समझते सब कुछ हमारे पास है, उनको बेहद का बाप वर्षा भी नहीं देते। इसलिए बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवास। जो बिल्कुल ही गरीब, यानी गरीब किसे कहते हैं? पतित बन गए हैं, अहिल्याएं हैं, बुद्धि बिल्कुल बुद्धि में जाते ही नहीं, राइट क्या रॉन्ग क्या है, उनों को साहूकार बना देता हूं। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते हैं तो विजय माला में आ ही नहीं सकेंगे। ये तो बेहद के बाप के साथ सौदा करना होता है। व्यापार किसे करना है? बाबा से। बाबा बाबा ये तो सब मिट्टी में मिले जाना है, पांच तत्वों का बना सब चीजें हैं, ये तो मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं। कैसे बलिहार कर जाते हैं? ये सब कुछ आप ले लो। क्या आपके पास क्या है? तन मन धन जन, अब सब कुछ आप लिए है बलिहार जाना, और हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। क्या बिजनेस करते बाबा से? हम जाएंगे तन वो भी घटिया, मन वो भी घटिया, धन वो भी घटिया, नहीं बाबा आप ले लो और हमें बढ़िया से बढ़िया स्वर्ग का मालिक बना दो। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, ये राजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा ही नहीं है। यहाँ खर्चा है कोई? कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता है, यहाँ तो तुम्हारा क्या खर्चा है पूछ रहे बाबा? क्योंकि कोई भी हथियार पवार तो है नहीं, यहाँ हथियार तो नहीं इकट्ठे करने, हमने कुछ भी नहीं इकट्ठा करना। यहाँ क्या है फिर? योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं, और वो लोग बाहुबल से कितना लड़ते हैं फिर भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते। ड्रामा में उनों का पार्ट ही नहीं है। सब तो सच्चा सच्चा राजयोग, राजाओं का राजा बनने का योग बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। और तुम जानते हो राजयोग से परमपिता परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की थी। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, मेरे बाबा याद करा रहे हैं, अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, और पढ़ाई अनुसार, और पढ़ाई अनुसार ही नंबर वार पद मिलेगा। ये पढ़ाई आपको पोस्ट पोजिशन में दिलाएगी। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है। किसी को भी कांटा नहीं चुबाना है। फूल बन खुशबू देनी, अपनी प्योरिटी की सबको खुशबू मिले, ऐसा बनना है। दूसरा, सच्चाई का गुण धारण कर, सच्चाई का गुण धारण कर, सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। और पढ़ाई, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। और करना क्या है फिर, आज्ञाकारी बनना है। वरदान, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। आपका एक एक बोल वरदान सिद्ध हो जाए लोगों के पास, ऐसी मूर्ति बन जाओ। वो कैसे होगा, आपका एक एक बोल वरदान सिद्ध कैसे होगा, जब आप समय पर कार्य में लगा के उसका फलीभूत बनाओगे, उसके फल लेने के काबिल बनाओगे, है ना। तो किसको, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को। बाबा का तो एक एक बोल जो मुरली में है वही वरदान है, ठीक है। जो जो बाबा के महावाक्य हैं जो आपने सुने, एक एक बोल महावाक्य, एक एक बोल लाखों करोड़ों रुपए का है, उनको सुन लिया मुरली भूल गए क्या, नहीं, उनको समय पर कार्य में लगा के फलीभूत बनाओ, तब टाइटल मिलेगा वरदानी मूर्त। कैसे करना क्या है, ध्यान से सुनना। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं, जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेगा। कैसे, वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। याद रखो बाबा ने क्या बोला, बाबा ने याद क्या रखा, यह स्मृति का पानी देना। फिर वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, टिक जाओ उसमें, शांति का सागर है, बार बार सो शांति का सागर, शांति का सागर, शांति में टिक जाओ, ये धूप है, बार बार याद करना, वो पानी है, पानी चलता रहता है, धूप में टिक जाओ। तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। नहीं, आपकी मूर्त कैसे हो जाएगी, वरदानी, क्योंकि आपने अभ्यास किया है। अब जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। कार्य में लगाओगे तभी तो काम होगा। आपने पैसे इन्वेस्टमेंट रख ली, जेब में रख ली, अंदर रख लिए, बढ़ेगा तो ना, वो आगे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना पैसों को। ऐसे ही जो बाबा ने वरदान दिया, जब जरूरत पड़ी उसी समय जो काम मिला, अच्छा बाबा ने ऐसे कहा था करने के लिए, लग जाओ। और माया आपको वो काम कराने नहीं देगी, लग जाओ, हो जाएगा, आप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। उसके लिए करना क्या है, स्लोगन, अटेंशन नेचुरल हो, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। ओम शांति।